हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण एक बार फिर से आप सभी का लर्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे हिंदी इंग्लिश हाथ के लिखे मैटर को टेस्ट के रूप में कैसे कंप्यूटर में लें। तो ये ऑनलाइन है प्रोसेस, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अपने डेस्कटॉप पर फोटोशॉप खोलेंगे, क्योंकि फ़ोटोशॉप में मैं अपने हाथ के लिखे हुए डॉक्यूमेंट को स्कैन करूँगा। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके के मैटर होंगे, ठीक है। आप यहाँ पर हम सबसे पहले अपने फाइल में जाएंगे, तो यहाँ से आप फाइल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए कैनन का मेरा स्कैनर दिखा रहा है, यहाँ से इसको हम स्कैन कर लेंगे। जैसे मैंने स्कैन पे क्लिक किया, ये मेरा प्रोसेस में लग गया स्कैन के लिए। इसके बाद ये मेरा पेज स्कैन हो गया, ठीक है। अब इसे आप अपने इस डॉक्यूमेंट को कहीं भी सेव कर सकते हैं। अभी मैं फ़िलहाल इसको सेव कर लेता हूँ अपने लाइब्रेरीज़ के अंदर डॉक्यूमेंट में। यहाँ से आप कोई भी नाम दे दीजिए अभी इसे, और यहाँ से इसे सेव कर दीजिए यहाँ से, ओके। अब यहाँ से आप फोटोशॉप को चाहे तो बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है, स्कैन कर लिया हमने इसे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ गूगल क्रोम में जाएंगे और यहाँ से न्यू टैब खोलेंगे। न्यू टैब खोल के यहाँ देखिए डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ पर ड्राइव का ऑप्शन आता है, यहाँ ड्राइव पर क्लिक करना है। और ड्राइव में क्लिक करने के बाद आपको ये देखिए माई ड्राइव आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए अपलोड फाइल लिखा रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। आपकी जहाँ भी जिस भी लोकेशन में आपकी फ़ाइल रखी है, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने इसको डॉक्यूमेंट में रखा था, और इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये पीपी के नाम से जो है फ़ाइल मेरी आ गई। यहाँ से इसे ओपन कर लेंगे, देखिए यहाँ पे ये अपलोड हो रही है। और अपलोड होने के बाद ये यहाँ पर देखिए फिनिश हो गया, अपलोड हो गया और कम्प्लीट हो गया। यहाँ पर यहाँ से अब हम रिसीव में जाएंगे, रिसेंट में जाने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद में जाएंगे और गूगल डॉक पे क्लिक करेंगे। जैसे गूगल डॉक पे क्लिक करेंगे, गूगल डॉक में हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो ओपन होने लगेगा। प्रोसेस ले रहा है ओपन होने में, ये देखिए ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपकी ये फाइल आ गई। अब यहाँ से आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका मैटर जो आपने हाथ से लिखा हुआ था वो एक टेक्स्ट बन चुका है। इंग्लिश देखिए थोड़ा सा छोटा फॉन्ट में है और हिंदी बड़े में ही है, ये देखिए इस तरीके से था इसमें, ये बिल्कुल सेम इसको इसने स्कैन ले लिया, ये टेक्स्ट बन चुका है। इसको आप यहाँ से कॉपी कीजिए, और कॉपी करने के बाद अपने एक नए डॉक्यूमेंट में इसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे राइट क्लिक करके, और यहाँ से विंडो आर करके अपना एमएस वर्ड को ओपन करेंगे, यहाँ पे इसे पेस्ट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये टेक्स्ट आ गया। यहाँ पे आप इसके साइज़ को भी अपने नॉर्मल साइज़ में बना सकते हैं। देखिए काफ़ी बड़ा फ़ॉन्ट था और अब ये एकदम नॉर्मल में हो गया, दोनों हिंदी इंग्लिश के फ़ॉन्ट में। ये देखिए नीचे इंग्लिश का छोटे में आ रहा है और हिंदी के में बड़ा में आ रहा है। ये चीज़ यहाँ पर अब एक नॉर्मल हो गई है दोनों। अब इसको इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है ये ग्रीन में आ रहा है तो ये ग्रीन ही रहेगा, आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है। इस तरीके से हिंदी इंग्लिश फॉन्ट आप इसमें टेक्स्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों आप अब यहाँ पे ये जो लैंग्वेज में आपका फॉन्ट बन के आया है, ये एक यूनिकोड भाषा में आया है, इसे मंगल भी कह सकते हैं आप। इसको आप वॉकमैन या कुर्ती देव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आ जाके आप इसे देख सकते हैं।